देखो देखो देखो, आराम से चली जा रही है, सर्विस मांग रही है भाई। मेन बात तो एग्जॉस्ट तो मैंने उतार रखा है इसका, बिल्कुल रोड के पास में पानी पानी ज़्यादा हो गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड फाइन गाइस। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी एमटी के साथ, मतलब मिनिमम 2 मंथ के बाद एमटी के साथ ब्लॉग कर रहा हूँ मैं। तो अभी हम लोग जुबरेज पे हैं भाई, बारिश की वजह से देखो 2-3 दिन मस्त बारिश हुआ। ऐसे तो समर का सीज़न है बट अच्छा खासा बारिश हो गया, तो पानी पानी दिख रहा है हर जगह। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 मंथ के बाद एमटी के साथ ब्लॉग आ रहा है। एक लास्ट वाला ब्लॉग मैंने बनाया था इसके साथ, बट वो ऑटो फ्रेम ही हो गया पूरा। हम लोग गए थे यहाँ से 100 किलोमीटर, तो वो ब्लॉग तो पूरा ख़राब हो गया, तो वो मैंने अपलोड भी नहीं किया। तो थोड़ा सर्विस मांग रही है भाई, क्योंकि बहुत दिन से सर्विस नहीं किया। इंजन से ना अजीब सा साउंड आ रहा है। देखो देखो देखो, सही है ब्रो। तो अभी हम लोग मेन रोड पे आ गए, और सबसे पहले करना है मेरे को फ्यूल फिल, क्योंकि फ्यूल है नहीं। और मेरे को अभी याद आया भाई, फिर से यू टर्न लेके जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप की तरफ। तो गाइस, फ्यूल अप हो गया, और लेवल देखो फ्यूल का, ऑलमोस्ट टैंक फुल है अभी, क्योंकि 500 का डलवाया। वीक में एक बार 500 का डलवाना ही पड़ता है इसमें, क्योंकि मैं डेली इसको लेके जा रहा हूँ ड्यूटी में। तो एक 30 किलोमीटर तो मैं अप एंड डाउन हो जा रहा है डेली, तो वीक में एक बार 500 का डलवा लेता हूँ वीक ऑफ वाले दिन। फिर इसको अभी सीधा मारते हैं मस्त राइड। हमें जाना था ब्रिज के ऊपर से, बट अभी ब्रिज के नीचे से जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये नहीं तो पूरा फिर से यू टर्न लेके पूरा घूम के जाना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है बस, पानी 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 भाई। अब भी अभी बोस करवाया और मैंने बाइक को, तेल टाड़ी लगा के ये प्रॉब्लम होता है, और 15 के ऊपर चलवा ही नहीं सकते पानी में। फिर भी आ गया पानी। रिंग रोड है अभी 2 किलोमीटर, क्योंकि ये वाला ब्रिज जो है ना रिंग रोड से कनेक्टेड है, मतलब सिटी को कनेक्ट करता है ये रिंग रोड से। तो ऑलमोस्ट टाइम मैं ब्लॉक के लिए आता हूँ रिंग रोड की तरफ ही, क्योंकि दूसरी तरफ जाएंगे ना अगर ओल्ड सिटी की तरफ, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है हैदराबाद में। एक बार गए आप फंस जाओगे वहीं पर। तो यहाँ पर लीन करने का मज़ा आता है। अभी नए नए बनाए, ये लास्ट वाले साइड पहले वाले ब्लॉक में भी देखा होगा आपने, एक बार आया था मैं यहाँ से। थोड़ा फुट रेस्ट मेरा टूट गया है, इसकी वजह से ब्रेकिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, मैं पैर को अच्छे से रख नहीं पा रहा हूँ। तो एक लड़के को बाइक दिया था, उसने गिराया था। हैंडल मैं रिसेंटली अभी चेंज किया, मतलब बंद भी हो रहा है ये जो पूरा हैंडल रोड है ना, ये पूरा चेंज किया, क्योंकि ये बेंड हो गई थी, डोन हो गई थी नीचे की तरफ। और एक उसने क्रैश गार्ड भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं दिखाऊँगा अगर रोकूँगा बाइक को आगे जाके। सनसेट वो बादल आ गया सामने, तो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है रिंग रोड पे। आराम से चली जा रही है, सर्विस मांग रही है भाई, सर्विस कर दिया ना एक बार तो आराम से निकल जाएगी। और मेन बात तो एग्जॉस्ट तो मैंने उतार रखा है इसका, क्योंकि थोड़ा कोप्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी हैदराबाद में। तो अभी फिलहाल तो उतारा हुआ है, देखते हैं। उसका एक किट ले लूँगा मैं, ताकि खुद से एग्जॉस्ट लगा सकूँ, क्योंकि बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़ रहा है, एग्जॉस्ट लगाओ उतारो लगाओ उतारो, 2 बार मैंने ऐसा कर दिया। तो उसका एक किट ले लूँगा ना, ताकि खुद से लगा सकूँ, तो अच्छा रहेगा। जब मन गया लगाओ, जब मन गया उतार दो, मतलब जब राइड पर जाना है तब एग्जॉस्ट लगा लो एक दिन, क्योंकि डेली एग्जॉस्ट यूज़ नहीं कर सकता मैं इसमें। और यह है एयरपोर्ट वाला रोड, आज ही आई एयरपोर्ट। हैदराबाद का एयरपोर्ट बहुत दूर बनाया, आउट ऑफ सिटी है, यहाँ से 45 किलोमीटर है। और ये ऊपर रिंग रोड पे एयरपोर्ट वाले रोड पे तो बाइक अलाउड नहीं है, बहुत क्लाउड ही हो रखा है ऊपर। बस ऐसे ऐसे वेदर में ना राइड का मज़ा आता है। कुछ टकरा रहा है हेलमेट से यार,
आपको रोकता हूँ अभी सिग्नल के बाद, आगे जाके चेक करूँगा क्या प्रॉब्लम क्या है। स्पीड ब्रेक कर देता हूँ भाई, यहाँ से डेली जाएगा ना बाइक लेके तो बाइक खत्म है समझ लो। मैं बड़े स्पीड ब्रेकर बना रखे हुए हैं, हैंडल पूरा भरा भरा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ अभी ये थोड़ा टूट गया तो इसको चेंज करूँगा, ये हिल रहा है पूरा, चेंज किया उतार के रख दूँगा तो नया ऑर्डर करेंगे बाद में तो देखेंगे। पर इसको उतारना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत साउंड कर रहा है, जब गड्ढा गड्ढा बाइक जा रहा है ना बीच बीच में तो बहुत साउंड कर रहा है ये। पहले मैं उतार देता हूँ ग्लव्स, यार प्रॉब्लम हो रहा है। घास हो रखा है मस्त वहाँ पे, चलो अब थोड़ा हाँ गियर ही नहीं लगाया मैं, कंफर्टेबल फील हो रहा मेरे को अभी। वाइजर से यही तो प्रॉब्लम हो रहा है भाई, ब्लैक वाइजर है वैसे का स्पीड ब्रेकर आ गए, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर तो है इतना मेरे को पता है, टूट गया। हाँ नया ऑटो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं। भगाना बोले तो मेरे को वाइजर खोल के भगाना पड़ रहा पूरा भाई, गाइस ऑलमोस्ट व्लॉग मैंने ना वाइजर ओपन करके किया हुआ है। पानी देखो क्या मस्त व्यू आएगा ऊपर से, और ये सिंगल रोड है भाई, भगाने का बैंड अच्छा लीन होती है यहाँ पे बाइक। अगर वाइजर अच्छा होता मेरा तो मैं भगाता था, देखो बिल्कुल रोड के पास में पानी, पानी ज़्यादा हो गया है, यहाँ तक नहीं आता था भाई। क्या हो गया इसको भाई, चारा धक्का दे के चल रहा है अभी, क्या कर सकते। मस्त सनसेट दिखेगा गाइस ऊपर से सच में, यहाँ से ऊपर जाना मेरे को, अच्छा व्यू पॉइंट है। वर्क इन प्रोसेसिंग व्हीकल नोट है रोड, ये क्या सीन है भाई, लास्ट टाइम तो मैं गया था ऐसा कोई सीन नहीं था यहाँ पे, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, ऊपर से मस्त व्यू आता था। अभी मैं चला गया अभी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे जाके देखते हैं थोड़ा। मैं आया इसके लिए था भाई कि अच्छा व्यू मिलता ऊपर से, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पूरा मूड ऑफ कर दिया, इस तरफ कोई रोड जा रहा है क्या, जा तो रहा है, इस तरफ चल लेंगे हम। चलो ऑफ रोडिंग भी हो गया हमारा, ये लास्ट है यहाँ पे इसका भी सीन, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देख रहे हो क्या हो गया, छीट दिया, फिर भी इतने धीरे धीरे आया था मैं फिर भी छीट दिया, अब भी जस्ट वॉश किया था तो अभी इसका ये भी टेढ़ा हो गया पूरा, और देखो फुटरेस्ट, बिना फुटरेस्ट के बाइक चला रहा हूँ गाइस, तो अभी लुक कुछ ऐसा रहा एग्जॉस्ट उतारने के बाद गाड़ी का, देखो गाड़ी दिखता तो अच्छा है भाई। अभी इसको चेंज करने को सोचा भी नहीं है, सोच रहा हूँ ब्लैक कर दूंगा इसको, हुआ तो ब्लैक करने के बाद देखेंगे कैसा दिखती है। सो सन देखो सनसेट होने वाला था ऊपर, अगर बाइक वगैरह लोड करते तो मस्त व्यू आता था ऊपर से, तो अभी क्या कर सकते हम लोग, ऐसे घुस भी नहीं सकते ऊपर से, मैं अकेला भी कुछ सीन वीन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और पीछे से देखो लुक,
पीछे से मस्त दिखती है, मतलब कॉम्पैक्ट से यार। नेकेड बाइक में बोले तो ये और ड्यूक, बस मेरे को दो बाइकें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो ब्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं अभी इसके बाद निकलता हूँ घर के लिए। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, मतलब वीक में एक ब्लॉग आएगा अभी तो, नेक्स्ट वीक पक्का मिलेंगे। अच्छा राइड लेंगे, एक लॉन्ग राइड लेंगे, बिने भी आ जाए तो, मतलब दो तीन बाइक हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो MT लेके जाएंगे, B3 हुआ तो 220 भी लेके जाएंगे। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।